सजना बैरियर को लहरा लिया। शत्रुवन ने देखा कि आज यो पेड़ काटना चढ़ने खातर डोरी फेंकी ना फेंकी कुल्हाड़ा उठाया छूट के गिर गया। आंखों के सामने अंधेरा, दिल बेचैन, हाथ पैर ढीले, सर में दर्द। शत्रुवन का दिल ये गवाही देगा कि कुछ ना कुछ देर में तुम मरने वाला। सावित्री मेरे प्राण काढ़ कोई ले जाना चाहे से और मेरी काया के में भड़क लाग रही मन चक्कर से आवे। इतना कहकर के शत्रुवन मूर्छित होकर के पड़ गया। यम के दूत प्राण लेने के लिए आए। यम के दूतों की हिम्मत ना हुई कि सावित्री के आगे से शत्रुवन के प्राण ले लें। सावित्री ने शत्रुवन के सर को गोदी में रख लिया और सर दबा रही है और भगवान से प्रार्थना कर रही है कि हे भगवान, मेरे पति को कुछ नहीं होना चाहिए, चाहे भले मेरे कुछ हो जाए। दोस्तों, यम के दूत आते, सावित्री ने देखे, प्राणों के लिए यम के दूत झपटे। सावित्री ने योग साधना से, शक्ति से अपने मुंह से अग्नि बरसानी शुरू कर दी। यम के दूत भयभीत होकर के वापस भाग गए। यमराज को बताया। यमराज महाराज सुन के कहानी दंग रह गए। यमराज सिंहासन छोड़ करके बियाबान जंगल में वहीं आते हैं जहां सावित्री अपने मृतक पति के प्राणों की रक्षा कर रही। सावित्री को नमन किया। सावित्री के मुख से जो अग्नि बरस रही थी वो खत्म की, समाप्त की। सावित्री का क्रोध शांत किया। शत्रुवन के प्राण लिए, लेकर के प्राण चले। क्या कहने लगी सावित्री और धर्मराज? धर्मराज आगे आगे और सावित्री पाछे पाछे। धर्मराज रुके और सावित्री को समझाने लगे। कैसे समझाएंगे एक रागणी और आपके बीच में दोनों को धारा और आई सुनेंगे बड़ी सुमेला एक रागणी। हाँ तो सावित्री कहिए यमराज जी, क्यों मेरे पाछे पाछे आ रही है, क्यों रो रही है? ये आंसू बहाना छोड़ दो और मेरे पाछे आना छोड़ दो। आप सब जानते हैं यमराज जी कि मैं आपके पीछे क्यों आ रही हूँ। क्यों आ रही है? आप मेरे पति के प्राण लेके जा रहे हो, मुझे मेरे पति के प्राण वापस दे दीजिए। कि पांच तत्व का खेल बिगड़ के निकले आत्मा बाहर गया, कि खाली पिंजरा पड़ा सामने पंछी पैर पसार गया। ये खाली मिट्टी पड़ी है, कौन किसका पति है, कौन किसकी पत्नी? मैं आपसे विनती करती हूँ कि मुझ पे थोड़ा सा रहम खा लीजिए और मेरे पति के प्राण मुझे वापस दे दीजिए महाराज। अच्छा, हाँ कुछ कहना चाहोगे? बिल्कुल कहना चाहिए। जो आया है वो एक दिन जरूर जाएगा। तुम्हारे पति की आज आयु खत्म हो गई। जानती हूँ कि जो इस दुनिया में आए हैं उसे एक दिन जाना पड़ता है, लेकिन आज मेरे पति के प्राण लेके जा रहे हैं। हाँ। मैं आपसे यही विनती करती हूँ कि कुछ रहम खा लीजिए मुझ पर। मेरे अंधे माता पिता हैं, उनके ऊपर कुछ रहम खा लीजिए महाराज। सावित्री जीते जी का मेल है, हमारे पीछे कोई किसी का नहीं होता। चार दिन की जिंदगी, चार दिन का मेला है, आया भी अकेला बंदे जाएगा अकेला। मेरी बात सुन लीजिए। क्या सुनाएगी? सुनिए मेरी बात। सुनाइए अपनी बात। हेलो, कुछ कहना चाहेगी? कहना चाहती हूँ। कहो अपनी बात। सुनिए, सुनाइए। हो मेरी अरज सुनो या मेरा आज आज कुछ रहे में मेरे पे खाने मेरी अरज सुनो या मेरा आज आज कुछ रहे में मेरे पे खाने मेरी अरज सुनो या मेरा। सावित्री कहिए यमराज जी, हर नारी का अपने पति में प्यार प्रेम होता है। जानती और ध्यान होता है, तुम्हारा भी ध्यान वही है, लेकिन मेरी बात पर गौर फरमाना। कहिए। एक दिन ये कुदरती के नेम बेटी शक्तिवान
की जिंदगी इतनी अरे बिना पति के दुखियारी की जिंदगी बेकार हो जा। नहीं ही माती कोई मेरा ना मेरी मझधार हो जा। अंधी सास ससुर की सेवा फिर कर ले बसवार हो जा। अंधी सास ससुर की सेवा फिर कर ले बसवार हो जा। हो मेरे दिल पे ला गे चोट, मेरे दिल पे ला गे चोट। चोट करे मेरा मिराज महाराज जो यमराज तुम्हारे सास ससुर आंखों से अंधे हैं। हाँ महाराज। तुम्हारे बूढ़े अंधे सास ससुर की जिंदगी का सहारा, तुम्हारी जिंदगी का सहारा तुम्हारा पति सत्यवान था। सिर्फ मेरे पति थे। जिसकी आयु पूरी हो गई। हाँ। जिनके प्राण में लेकर के जा रहा हो। जी महाराज। तो मैं तुम्हारा पति तो नहीं मिल सकता, लेकिन इसके बदले अगर तुम कुछ मांगोगी तो हो सकता है कि मैं मना नहीं करूँ। मेरे पति के प्राणों के बदले जो भी आप मुझे देंगे मैं वो आपसे मांगना चाहती हूँ। सुनिए मेरी बात। कहिए। खुश हो नाड़ झुका नेऊंगा लाश के अंदर प्राण द्वारा। कभी नहीं मैं वो डालूंगा और चीज तके और चीज कुछ भी ले ले मैं ना बचना प्यालूंगा। और चीज कुछ भी ले ले मैं ना बचनो से हालूंगा। अरे झोली फैलाई दुखिया ने, झोली फैलाई दुखिया ने, महाराज मेहर कर दो। हा? समझ के अपनी बेटी मुझको प्यार कहा शीश धर दो। अगर आप देना चाहते हो पहले तीन वचन भर दो। अगर आप देना चाहते हो पहले तीन वचन भर दो। हो मैं फिर मांगो महाराज, मैं फिर मांगो कि अगर देना चाहते हो तो पहले तीन वचन भर दो। जी महाराज। ऐसा लगता है कि यमराज पर तुम्हें भरोसा नहीं रहा। ऐसा नहीं है महाराज। तो फिर कैसा? भरोसा तो मुझे अपनी किस्मत पर नहीं है, बस इसीलिए तसल्ली के लिए आपसे मैं तीन वचन मांग रही हूँ। मैं तीन वचन भी स्वीकार करता हूँ और तीन वचन में भर भी लूंगा। हाँ। लेकिन मेरे साथ में धोखा मत करना। नहीं महाराज, मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं आपके साथ धोखा कर सकूं। मैं तो बस विनती करती हूं कि मुझे तीन वचन दे दीजिए। हो सत्यवान के प्राण छोड़ के सत्यवान
भी मांगो, कुछ भी मांगो करो यकीन, राजपाट धन दौलत चाहे मांग लिए बुद्धि परवीन, बेखटके बेखटके मांगो सावित्री, दे दिए वचन रंग दो तीन, बेखटके मांगो सावित्री, दे दिए वचन रंग दो तीन। अरे सास ससुर अंधे मेरे, सास ससुर अंधे मेरे, आँखों का उन आँखों का उजियारा दे दो, जो दुश्मन ने छीन लिया वो वापस राज हमारा दे दो, हो मेरा वचन तीसरा मेरी कोख ते मुझको बेटा प्यारा दे दो, हो मने ना चाहिए कुछ हो, वचन बढ़ाए। हाँ महाराज। और तीन वचनों में तीन ही खुशियां, तीन बात मांगी है। जी महाराज। पहली खुशी जो मांगी है, तुमने तेरे सास ससुर आंखों से अंधे हैं, वो नेत्रवान होने चाहिए। हाँ, उनकी आंखों की रोशनी वापस दे दीजिए महाराज। उनकी आंखों की रोशनी वापस मिलनी चाहिए। जी महाराज। दूसरी खुशी तुमने मांगी है कि तुम्हारे सास ससुर कभी राजा रानी कहलाते थे, उनका राजपाट खोस लिया। हाँ। उनका वही राजपाट फिर से वापस, वही राजपाट वापस ले लीजिए। तीसरी खुशी कि तुम्हारे पति इस दुनिया में ना रहे, तुम्हारे सास ससुर का नाम रोशन हो, तुम्हारे बुढ़ापे का सहारा बने, बड़ा होकर के राज का उत्तराधिकारी बने, राजा कहलाए, प्रजा की सेवा करे, राजपाट को संभाले, तुम्हारी कोख से एक बेटा पैदा होना चाहिए। जी महाराज। और कुछ नहीं महाराज, तीन वचनों के सिवा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। और कुछ नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। सुनिए मेरी बात, कहिए अपनी बात। उजियारा दिया, पहला वचन पूरा हुआ महाराज। छलते लिया मंत्री ने, जो छलते लिया मंत्री ने, वो वापस राज तुम्हारा दिया। मेरा दूसरा वचन भी पूरा हुआ महाराज। और तेरी कोख ते पैदा होगा जो तुझको बेटा प्यारा दिया, तेरी कोख ते पैदा होगा तुझको बेटा प्यारा दिया। तेरे सास ससुर अंधे, वो नेत्रवान हो जाएंगे, उनका राजपाट फिर से वापस मिल जाएगा। जी महाराज। और जाओ धर्मराज का कहना है, तुम्हारी कोख से एक सुंदर रूपवान धैर्यवान गुणवान बलवान एक बेटा पैदा होगा। ये तीन खुशियां मांगी मैंने, तीनों खुशियां खुशी से दी। अब मैं चलता हूँ। कहाँ चलते हैं महाराज, आपने मेरे वचन अभी पूरे नहीं किए हैं। पूरे नहीं किए? नहीं। कौन सा वचन अधूरा रह गया था? अभी मेरा तीसरा वचन आपने पूरा नहीं किया महाराज। तीसरा वचन तूने कहा था कि मेरी कोख से बेटा पैदा होना चाहिए, मैंने कह दिया कि जाओ तुम्हारी कोख से बेटा पैदा हो जाएगा। हाँ। अरे तीसरे वचन में गुंजाइश कहाँ रहेगी? बिल्कुल गुंजाइश है महाराज। गुंजाइश है तो फिर सुन ले। कहिए। हरि तेरी कोख ते, तेरी कोख ते पैदा होगा जा तुझको बेटा, तेरी कोख ते पैदा होगा तुझको बेटा प्यारा दिया। अरे ख्याल करो हरे राम बैसले, ख्याल करो हरे राम बैसले, अकल ठिकाने ले आओ रे, बिना पति के
के पतिव्रता के कैसे बेटा हो समझाओ रे। हे यमराज वचन हारो ना मेरा पति जीवाओ रे। हे यमराज वचन हारो ना मेरा वचन जीवाओ रे। सावित्री हाँ मुझे माफ कर दे बेटी। नहीं महाराज मैं हार यार तू जीती मुझे क्षमा कर दे। मैं हाथ जोड़ के क्षमा। मैंने आपसे हारने जीतने के लिए वचन नहीं मांगे महाराज। तुम्हारे दुख में विलीन होकर के मेरी बुद्धि ने काम नहीं किया। तीसरा वचन वाकई मैं पूरा नहीं कर सकूंगा। जी महाराज तीसरा वचन तो जब पूरा होगा कि जब तुम्हारा पति जिंदा होगा। तुम्हारा पति जब जिंदा होगा कि जब इसकी आयु बची होगी। क्या मेरे पति की आयु नहीं बची? तुम्हारे पति की आयु नहीं बची। मैं भूल गया गलती कर गया। एक सतीवीर का जती मर्द इस दुनिया में जिंदा नहीं रहेगा तो जती मर्द मर जाने के बाद सतीवीर के संतान कैसे पैदा हो सकती है? मुझे क्षमा कर दो। लेकिन महाराज तीसरा वचन तो आपको पूरा करना पड़ेगा। पूरा क्यों कर करूं? तुम्हारे पति की आयु खत्म हो गई मैं पूरा नहीं कर सकूंगा। हाँ आज धर्मराज को तुमने फंसाया है तो सावित्री निकालने का रास्ता भी तुम्हारे पास कोई ना कोई जरूर होगा। या तो मुझे कोई रास्ता बताइए ना तो दुनिया के लोगों का विश्वास उठ जाएगा मेरे ऊपर से। आप यमराज हैं। हाँ। और आपसे ज्यादा कोई नहीं सोच सकता महाराज। हाँ। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैं आपको इस दुविधा से निकालूं तो मैं आपसे इतना पूछना चाहूंगी क्या मेरी आयु कुछ बची है? तुम्हारी आयु तो सावित्री अभी बहुत लंबी आयु है। मेरी आयु बहुत लंबी है। हाँ। तो मेरी आयु में से जो भी आयु आधी बचती है वो मेरे पति को दे दीजिए महाराज। इससे आपका वचन भी पूरा हो जाएगा और मुझे मेरे पति के प्राण मिल जाएंगे और हम जिएंगे साथ साथ और हम मरेंगे साथ साथ महाराज। एक बार जोरदार ताली बजा दो सावित्री के लिए जोरदार ताली। ये थी सावित्री जो कह दिया यमराज से मेरे पति की आयु खत्म हो गई और मेरी आयु बची है। जितनी भी मेरी आयु बची है 50, 100, 200, 400, 500, 700 साल जो भी बची है मेरी आयु में से आधी आयु मेरे पति को दे दो। मेरे पति जिंदे हो जाएंगे आपका वचन पूरा हो जाएगा। हमारी उम्र दोनों की बराबर हो जाएगी। मेरे पति जिंदा हो जाएंगे तो बेटा भी पैदा एक दिन जरूर होगा। जिएंगे साथ साथ और मेरे पति जती मर्द और मैं सतीवीर जति सती का जोड़ा होया करें दुख सुख के साझी होया करें। हम जिएंगे तो साथ साथ और एक दिन दुनिया छोड़ करके जाएंगे तो एक दिन साथ साथ। अरे हे यमराज वचन हारो ना मेरा पति जीवाओ रे। हे यमराज वचन हारो ना मेरा पति जीवाओ रे। हो यम राज होया लाचा राजे होया।